हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको M3 बैंड की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। इसकी कुछ थोड़ी अलग सी पैकिंग आई है, अमेज़ॉन वालों ने थोड़ी अलग सी पैकिंग दी है। ये 400 रुपये का है और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये थोड़े से टाइट पैकिंग के साथ आता है। मैं जब तक ये खोलता हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में लगे हाथ बढ़ा दो सब्सक्राइबर और व्यूज़, और कमेंट करके बताना अगर आपको इसका टियर डाउन देखना है तो। तो ये खोल लिया है, निकाल लिया, तो सबसे ऊपर यहाँ पर इसका शायद बिल रखा हुआ है, तो देखते हैं। ये बिल ही है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जोमेटो का है 499 रुपये का, इस पर 76 रुपये का GST लगा है और 422 रुपये का ये है ही, बाहर मार्केट में 422 का मिलेगा बिना बिल के। तो ये मेन कार्डबोर्ड वाला बॉक्स है, इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और बॉक्स है जिसके अंदर हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा M3 बैंड है और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो बॉक्स को खोल लेते हैं। ऊपर इंटेलिजेंस लिखा हुआ है और पीछे थोड़े बहुत फीचर दिए हुए हैं, जो थोड़े बहुत चलते हैं, थोड़े बहुत नहीं चलते होते, आपको पता ही है ये। तो दो दो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है, मैनुअल है शायद। ये हमारे पिन वाला आता है दूसरे टाइप का, और ये इसके अंदर लिखा हुआ है कैसे इसको यूज़ करना है, और इसके लिए हाईफाइन ऐप डाउनलोड करनी होगी इसको यूज़ करने के लिए, और इसके वो लिखे हुए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसके अंदर एक और यूज़र मैनुअल है जिससे आप स्कैन करके लें वो डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, और इसके अंदर कुछ नहीं है। एक साइड में चाइनीज में लिखा हुआ है मेड इन चाइना है ये। तो ये डॉक का है, ये M3 का बैंड है, और ये यहाँ पे हमारा कैप्सूल है। कैप्सूल ऑन नहीं हो रहा, इसको चार लगाना पड़ेगा शायद। तो ये इस तरह से चार लगाता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे चल रहा है ये। तो और इसके अंदर हार्ट रेटिंग सेंसर का ऑप्शन आता है, और भी बहुत चीज़ें आती है, वो आपको पता ही हवा में बताता रहता है। तो ये इसका कोई वो नहीं है, बस टाइम देखने इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 2 या 3 दिन ही बैटरी चलती है, उससे ज़्यादा बैटरी भी नहीं चलती होती इसकी। तो अभी मैं आपको इसको चार्ज लगा के दिखाता हूँ, और ये इसमें ऐसे फिट हो जाता है। तो ये स्टार्ट नहीं हुआ, मैं इसमें कोई डिफॉल्ट है शायद ये चार्ज। तो मैंने इसको आधे घंटे तक लगा के रखा था पर हुआ नहीं, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया है, तो 2-3 दिनों में आ जाएगा, उसकी वीडियो भी आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो।